न पूछो जमाने से कि हमारी क्या कहानी है, हमारी तो पहचान बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। हाय फ्रेंड्स, दिस इज एबीजे एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल एबीजे एक्सट्रीम। दोस्तों, आज हमारा भारत अपनी 73वीं वर्षगांठ मना रहा है गणतंत्र दिवस का, और ये गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1930 को जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे पूर्ण स्वराज घोषित जब किया था, तब उसी के 20 साल बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, और उसी दिन से आज हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। 26 जनवरी 1972 को अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई, और 25 फरवरी 2019 को नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया। कुछ ही दिन पहले अभी जो चर्चा में एक न्यूज़ था जिसमें अमर जवान ज्योति का लॉ का जो विलय था वो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के साथ कर दिया गया। एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अमर जवान ज्योति की जो स्थानांतरण था वो अब राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के रूप में कर दिया गया। आज गणतंत्र दिवस समारोह में जो न्यू अपडेट हम आपके सामने लेकर आए हैं वो पॉइंट टू पॉइंट आपको हम बताने जा रहे हैं। पहला पॉइंट ये था कि जो आज की परेड है वो 21 तोपों की सलामी के साथ शुरू हुई। इस परेड में MI-17V5 हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और पुष्प भी बरसाए। इसमें एयर फोर्स के 75 विमानों का फ्लाई पास्ट हुआ। इस बार एक और नई बात हुई कि मेरठ की बेटी आंचल शर्मा, नौसेना का इस बार उन्होंने नेतृत्व किया, यानी उसे लीड किया। अभी 2-3 दिन पहले ही जय हिंद का उद्घोष करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती का पुण्य स्मरण किया गया। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल से आज सम्मानित किया जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल के तहत इसमें उन्हीं लोगों को एंट्री दी जाएगी जिसका कोविड वैक्सीन की 2 डोज ले चुके हों, और कोविड सर्टिफिकेट लाना भी उनके लिए अनिवार्य है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों को इस समारोह में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो आज के न्यू अपडेशन के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। आगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो फिटनेस पर होगा, देखते रहिएगा। दोस्तों, ऐसे ही प्यार बनाए रहिए। तो जाते जाते आपके सामने फिर से हम लोगों के साथ आप भी मिलिए और कहिए, आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से ये मुकाम आता है, किस कदर खुशनसीब हैं वो लोग, खून जिनका वतन के काम आता है। तो दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।